Bande Guru Pada Dandam Bhakta Vinda Samanitam Sri Chaitanya Prabham Bande Nitha Nanda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanga Bande Radhika Charano Dayam Gopijana Samayuktam Binda Vanamano Vāñcha-kalpa-taru-vaśca-kipā-sindhu-bhevacha Patitānam pāvane bhavishnabhibhyo namo namaha Mūkaṁ karoti vācālaṁ pangung laṁ haitgirim Yat-kipātam haṅvandi paramānanda-mādhva Vrindāvai-tulsi-debvai-piyāvai-kesa-vasacha Śrīna-bhakti-pade-devī-sattva-vattvai-namo-namaha Nārāyana-namaskritta-naranjaiva-narottamam Devīṁ-sara-svati-vyāsam-tato-jayo-mudīre Saṅkīrtane-kṛṣṇa-kato-upadeśa Gauriya-patraśya-prakāsa-necha Sadhānu-rakta-guru-bhakti-yukta Bhakti Pramodakshya Jagogaruna Deyam Sada Paribhavagnu Mavishtaduhum Tethas Padam Siva Virenchanutam Saranyam Beta Tiham Ponadopal Havadipotam Bande Mahapurusati Charuna Ravindam Yat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Vishwaruji-takamapigapavadhu-swadarji Purnanuragar-sasagar-sara-murthi Saradhika-mai-kada-kipa-makarusha Sri Krishna-chaitanya-prabhu-nitha-ananda Sri Advaita-gada-dhar-sivasadihi Gaura-bhakta-minda Sri Krishna-chaitanya-prabhu-nitha-ananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajahnulambita-bhujau-kanuka-bodhatu Saṅkītana-ikavitaru-kamala-yatākṣa Viśyāmbaru-dijavaru-jugadharma-pālu Bande-yagat-priyakaru karunā-bhatāru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Surair Vandito Dibbarupam Muktin Cha Muktin Cha Tada Sinitam Bhavan Rupen Sada Narana Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushita Vama Bhagam Narayana Priyamananga Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vāgī sajusya vadane Lakshmīr yasya ca bhakshasi Jasyāsti hide sambhīt Pam nishinga mahammaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare
जौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम् ओपि अनर्थायो किमुतो यत्र चतुष्टयम् जौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम् ओपि अनर्थायो किमुतो यत्र चतुष्टयम्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जहाँ हम लोग इस जगत में बड़ा काठ पत्थर का मिस्त्री बनने नहीं आए, ये जगत में ये दो दिन का जिंदगी में हम लोग जी जगत में आए हैं, अब विशेष करके भजन का रास्ते में आए, ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ हम लोग कोई काठ और पत्थर का मिस्त्री बनने नहीं आए, कोई कारीगरी विद्या दिखाने के लिए नहीं आए। गुरु वैष्णव का अनुगत्य में त्रिनाद विश्वनिज भाव लेकर अगर भजन का रास्ता में आगे चले, यही सबसे बड़ा चीज है। एक किताब भी कोई पढ़ना नहीं चाहता, बहुत मुश्किल, ऐसा जमाना आ गया। प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी, जो जो लोग दिव्य ज्ञान का मिसयूज करने के लिए मठाश्रय मठ अनुगत्य करने का बहाना बनाया, वाकई ये लोगों का साथ कोई संबंध नहीं है, मठ का कोई संबंध नहीं। वो बात कह रहे हैं जैसे नदी पार करने के लिए एक किश्ती का जरूरी है, एक किश्ती पार कराने के लिए एक जो नैया को पार करे बोटमैन, ये जरूरी है। ऐसा माफी के गुरु भी जरूरी है, चलो हम भी गुरु कर ले। ऐसा बुद्धि लेकर ऐसा विचार लेकर जो लोग हमको गुरु बनाए हैं, हमारे पास आए हैं, ये लोग तमाम जिंदगी में मेरे को देखा ही नहीं, मेरा दर्शन ही हुआ नहीं। लोग गुरु का पास आने से ही गुरु दर्शन होता नहीं, गुरु दर्शन के लिए ऐसा ऊंचा विचार जरूरी है। प्रभात कह लें ऐसा बुद्धि विचार लेके जो लोग मेरे को गुरु बनाए हैं, ये लोग जिंदगी भर मेरे को देखा ही नहीं, कैसे गुरु बनाए, हम कैसे गुरु है इसका। ये लोग मेरा संग किया नहीं और हम भी इसका संग किया नहीं कभी, क्योंकि यह कथा सुनता नहीं, कथा का विचार बनाता नहीं, परिप्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है। वो बात कह रहे कि जिंदगी का आखिरी दिन जो जितना तक बाकी है, ये लोगों का संग करने का मेरा बिल्कुल इच्छा ही नहीं है। ये सब कपट आदमी पहले से ही कपट भाव विस्तार करके मेरा पास आने का प्रयत्न किया और गुरु वैष्णव चरण में अपराध करने के कारण हरि भक्ति से डिविएटेड हो जाता है, हरि भक्ति से परे चले जाता, हरि भक्ति कर नहीं पाते। गुरु वैष्णव का सामने नौकरी चाकरी मिला नहीं, चलो गुरु वैष्णव के पास चले जाए, देखने में बहुत अच्छा है, बहुत कुछ एफिशिएंसी है मेरा, नाम कमाएंगे मठ में, बड़ा पोजीशन ले लेंगे। ये सब कपट लोग पूर्व से कपट विस्तार हैं। ये भी हो सकता कि पहले से कपट भी, ये भी हो सकता कि पहले कपट कपटता पूर्वक आया नहीं, लेकिन बाद में गुरु वैष्णव चरण में अपराध करके हरि भक्ति से दफा हो गया और
और फिर संसार का वासना हम लोगों को घेर लिया। पहले भी चर्चा हुआ था, जब संकीर्तन मेधा, संकीर्तन का मेधा जब वृद्धि होता है तो अच्छा सिम्टम है। जब त्यागी बेस लेके संसार का मेधा भी वृद्धि होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सोच लो कि इसका सब सत्यानाश हो गया। जब हम लोग गुरु वैष्णव का साथ तर्क का रास्ते में चले जाते, जब हम तर्कों का रास्ते में चलने का कोशिश करते गुरु वैष्णव संग, उस समय हम लोग का अज्ञान के द्वारा गुरु वैष्णव को नापने का प्रयास प्रचेष्टा में व्यस्त हो जाते। जब हम लोग गुरु वैष्णव का साथ तर्क पंथा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हुए रास्ते में चलने का कोशिश करते, उस समय हम लोगों का जो अक्षज ज्ञान के द्वारा गुरु को नापने का जो एक इच्छा है, ऐसा भाव आया था। गुरुचरण को अनुसरण करना जरूरी है, गुरु वैष्णव को अनुसरण करना जरूरी है, गुरु वैष्णव को अनुकरण करना उचित नहीं है। गुरु वैष्णव का अनुसरण, उसका पदांकों का अनुसरण करना, गुरु वैष्णव का अनुकरण करने से अमंगल अमंगली अमंगल हो जाए, सर्वनाश हो जाए। ये सब बेकार दुष्ट बुद्धि छोड़कर गुरुचरण में सर्वांतःकरण में आत्मसमर्पण करने से मंगल का रास्ता खुल जाता है। विद्या, हमारा विद्या, हमारा एफिशिएंसी, योग्यता, हमारा पांडित्य, हमारा बहादुरी, बहुत मैकेनिज्म में जानता हूँ, बहुत टेक्निक में जानता हूँ, बहादुरी सब गरम। भगवत भक्त जीवन, भगवत भक्तों का जिंदगी में ये जरूरी नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब जरूरी नहीं है। विद्या नहीं रहने से भी गुरु कृपा के द्वारा अनुभव होता है, दिव्य दिव्य जगत का, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित हो, ये सब हो जाता है। लेकिन गुरु वैष्णव को उल्लंघन करने से वहाँ ही सारी चीज समाप्त हो जाता। तो बात कहते हैं, मठ में कुछ बहादुरी दिखाने के लिए जो आए हैं, ये लोगों को मठ में रहने का जरूरी है नहीं, दरकार नहीं। हरिभक्त जो है, जो वास्तविक हरिभजन करने वाले हैं, वो मठ में रहे। जिसका अयोग्यता है जरूर हो सकता, लेकिन इच्छा है हरिभजन करने का, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा कोरोना सा, योग्यता विचार करने जाए तो मेरा जिंदगी में कुछ नहीं है, गुरु जी का कोरोना। तो बात कह रहे हैं कि हरिभजन करने का इच्छा है, ये ठीक है, ये लोग रहे। जो सब आदमी शिष्णुद और परायण लंपट और भोजन का होशियार, ये मठ को आश्रय किया है, ये लोग धीरे धीरे चले जाए मठ छोड़ के, ये अच्छा है। प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें मठवासी का संख्या कमती हो जाएगा, फिर भी अच्छा है कि थोड़ा ये जो गार्बेज है, जंजाल, जग जंजाल थोड़ा कमती होगा। जो सब व्यक्ति मठ का आचार आचरण पालन नहीं करते, गुरुवानुगत नहीं है, दैन्य नहीं है, जैसा अर्जुन का दैन्य है, चर्चा किया था, अभी अर्जुन दैन्य प्रकाश कर रहे नर लीला में है, ये सब दाम्भिक लोगों को घर में भेज देने से मठ का खर्चा बच जाएगा। काल चर्चा करेंगे इस विषय विस्तृत रूप से। अभी उस ये चर्चा हुआ था जो क्यों ये बात आया है, अर्जुन का दिव्य चक्षु का क्या जरूरी है,
अर्जुन का दर्शन क्या खोटा है, क्या आंखें खराब है, यो तो भगवत परशर महाराज आपने बताए। और इसी आंखों के द्वारा भगवान का माधुर्य आदि भगवान के साथ प्रीति विनिमय प्रेम विनिमय भी करते रहते हैं, दोस्ती शक्कर सक्रस है ना, सक्रस है लेकिन इसमें संभ्रम संभ्रम है, संभ्रम मतलब एवी थोड़ा फ्री सक्रस जिसमें कोई घबराहट नहीं है, बिल्कुल कोई ऐश्वर्य भाव नहीं है, ये ब्रज का अंदर भी मिल सकता है। कहने का मतलब है अर्जुन क्या दर्शन में क्या खराबी है जो दिव्य दर्शन का जरूरी है, क्यों किस लिए ये आंखें देकर भगवान का अपूर्व सुंदर भगवान का रूप दर्शन करते रहते हैं, माधुर्य आदि भगवान का जो रूप दर्शन करते रहते हैं, दोस्ती बना के रखे हैं, तो इसमें क्या जरूरी है, ये सबसे बड़ा बात अब पिछले दिन चर्चा हुआ था। और इसका भगवान भगवान का क्या विचार है, भगवान क्यों ऐसा कह रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर का विचार हमने उठा के दिखाया था। भक्तिविनोद ठाकुर का विचार उठाया था उस दिन, मानो कि भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम हमारा भक्त हो, बहुत बार कहे हैं सक भक्तो उसी ये सब बातें कह दिए, तुम मेरा भक्त हो अतः तुम्हारा निरुपाधिक चक्षु के द्वारा हमारा कृष्ण रूप दर्शन, निरुपाधिक चक्षु के द्वारा हमारा कृष्ण स्वरूप दर्शन करते हूँ। और हमारा जोगेश्वर्यमय स्वरूपटी संबंधिक भावगत हो, हमारा जोगेश्वर्यमय स्वरूपटी संबंधिक भावगत हो, संबंध संबंधिक भावगत हो, निरुपाधिक चक्षु के द्वारा इसका दर्शन होता नहीं। भक्तिविनोद कह रहे हैं जरदर्शी स्थूल चक्षु ये भी मेरा ऐश्वर्य स्वरूप लक्ष्य करने नहीं पाते, कर नहीं पाते। जरदर्शी जरदर्शन है जिसका स्थूल चक्षु ये भी मेरा ऐश्वर्य स्वरूप दर्शन नहीं कर पाते। जिस चक्षु सोपाधिक मैं अर्जुन हूँ, मैं दृष्ट में दिखना चाहता हूँ भगवान आप कृपा करके दिखाओ, जो चक्षु सोपाधिक किंतु स्थूलो नहीं, जड़ टट्टी पेशाब जड़ जगत का रक्त मांस देखने वाली देखने का आंखें नहीं है, जो दोष जो चक्षु सोपाधिक किंतु स्थूल नहीं है, जिसके द्वारा रक्त मांस टट्टी पेशाब देखा जाए ऐसा नहीं, जो चक्षु सोपाधिक किंतु स्थूल नहीं है, इसको दिव्य जो को तुम दृष्टा तुम देख रहे हो ठीक है, लेकिन इसमें एकदम पक्का अभिमान भी नहीं है, अहंकार नहीं है, तुम दर्शन कर रहे, जो चक्षु सोपाधिक है किंतु स्थूल नहीं है, मेटेरियल आंखें नहीं, भक्तिविनोद कह रही ये दिव्य चक्षु बोला जाता है, ये दिव्य चक्षु मैं तुमको दान करता हूं ददामी, और ये ऐसा जो सु तुम देखने के लिए इच्छा पैदा किया, इच्छा प्रकट प्रकाश किया तो देख लो। ऐसा करके भक्तिविनोद ठाकुर जी ने व्याख्या किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का बारे में उस दिन चर्चा हुआ था, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का इस विषय में चर्चा हुआ था। दिव्यम अप्राकृत चक्षु दिव्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस दिन चर्चा हुआ था इस विषय में, जे इस बात कहने से अर्थात दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चमे युगमेश्वरम, इसके द्वारा
अर्जुन ये न समझे कि हम इंद्रजाल मतलब मैजिक, जैसे मैजिक होता है ना इंद्रजाल का माफिक, जैसे इंद्रजीत का साथ लक्ष्मण का लड़ाई हुआ था, इंद्रजीत बहुत सारे इंद्रजाल विस्तार किया था, माया विस्तार किया, ध्रुव महाराज जी का साथ दक्षो जो गुह्या उसका साथ युद्ध हुआ, उन लोगों का साथ जब युद्ध हुआ था ध्रुव महाराज का सामने, तरह तरह का एकदम मैजिक, ऊपर से खून बरस रहा है, देखा काला काला हो गया पूरा आकाश, आसमान दिखाई नहीं पड़ता कुछ, ऐसा बहुत सारे चीज गुह्यक माना वो जो कुबेर है, कुबेर का जो जो आदमी है उन लोगों का साथ ध्रुव महाराज की बात लड़ाई हुआ था। हाँ, भगवत श्रुति सर्व विपोद विमोक्षणम, भगवत श्रुति अगर बने रहे, किसी का मैजिक मंत्र तंत्र षड्यंत्र नहीं चलता है, भगवत श्रुति अगर रहे सर्व विपोद विमोक्षणम, सर्व विपोद का विमोक्षण है। कृष्ण स्मरण करने से विष्णु स्मरण सारे अमंगल नाश हो जाता है, तो ऐसा अर्जुन का तरफ से भगवत स्थिति विस्तृति हो ही नहीं सकता। और अर्जुन ऐसा ना सोचे कि तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं, ऐसा मतलब कोई मैजिक दिखा रहा है, इंद्रजाल मायामय, ऐसा सोच ना ले। इसीलिए बहुत सारे विचार बनाए भगवान, सर्व जगत जिसका अंतर्गत है, अमाम इन्फिनिटी ब्रह्मांड जिसका अंदर में है, ये स्वरूप ये अतीन्द्रिय बोलिए विश्वास करे वजन अतीन्द्रिय अर्थात ये चक्षु के द्वारा दर्शन करने का लायक नहीं है, इसीलिए नौतु बोला है सचक्षुषा अपना चक्षु के द्वारा चित घनाकार रामा के दृष्टु न सक्य से। अभी ये विचार आया था जो चक्षु के द्वारा विश्वनाथ चक्रवर्ती खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, दूसरा पक्ष का विचार उठाया जाए, जो अर्जुन सचक्षु के द्वारा साक्षात भगवान का माधुर्य जो साक्षात बाप में अनुभव करते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, वही अर्जुन उसी चक्षु के द्वारा भगवान का अंश अर्थात विश्वरूप असमर्थ है, इसका दिव्य चक्षु जरूरी है, कैसा बात है असमर्थ है, क्या ये कैसा बात है, भगवान को दर्शन करते कंप्लीट, और भगवान का जो विश्वरूप दर्शन कर दिए तो एकांशे न कृष्णम एकांशेन स्थित जगत, अर्जुन एकांशेन अथवा बहुनैतेन किंगतेन अथवा अर्जुन अथवा बहुनैतेन किंगतेन अथवा अर्जुन विष्ट अहम इदम सर्वम एकांशेन स्थित जगत कृष्णम एकांशेन स्थित जगत, एक अंश के द्वारा मेरा विधृत है ये अनंत जो जगत है ये सब। अब ये प्रश्न आता है, जो आदमी पद्म मधु खाने में अभ्यस्त है, हैबिचुएटेड है, उसको अगर टट्टी के ऊपर बैठने का महलत दिया जाए तो वो बैठ सके क्या? कहने का मतलब है मधुमक्खी मधुपान करे और दूसरा मक्खी टट्टी इधर उधर कुछ भी जगह जाए, सीतापल खाने में जो हैबिचुएटेड है खाते खाते वो का एकदम फालतू गुड़ जो है एकदम क्रूड गुड़ जो
गो माता के लिए है सब है, ये खा सकेगा? ऐसा तर्क दिया है किसी किसी ने। इसीलिए यहां ये विचार चाहिए, ये दिव्य दृष्टि कैसा है, भक्तिमय ठाकुर इसका खुलासा किया। और दिव्य दर्शन के बारे में बहुत सारे ये कंफ्यूजन हो सकता है। भागवत का एकदा अर्वकम आदायो, ये जो श्लोक है भागवत का दसवां स्कंद में सप्तम अध्याय 34 से 37 नंबर, वहाँ भगवान को बाल गोपाल को गोदी में लेकर जसोदा मैया लार प्यार कर रही और गोदी में उठाए, दुग्धपान करा रही, अपना स्तनपान करा रही, इतने में उसका हास्य बदन देख के उसको थोड़ा मुंह में सहस्य बदन देख के गोपाल का चुम्बन करना शुरू कर दिए। और जो गोपाल जो जिम्मन किया, जिम्मन मतलब हाई टू हाई उठाया, हाँ ऐसा करके, तो ये मुंह का अंदर में विश्वरूप का दर्शन हुआ था, सब जानते हो आप। तो यह मिगुण नयना जसदा सहसा शिशु का मुंह में ये विश्वरूप दर्शन करके कंपित कलेवर नयन निमिलित अक्ष हुआ हुई पूर्व अतिशय विस्मित विस्मयापन्न हो गए। यहाँ एक प्रश्न है, कोई अगर विचार करे, क्योंकि पहले दिन हमने बताया था, अगले दिन आगे का दिन बताया था, जो अर्जुन ये सब देखते देखते परेशान हो गए, प्रसिद्ध जगन्नाथ ऐसा बताए। इस कहने का मतलब ये नहीं प्रसिद्ध जगन्नाथ तो प्रसन्न हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन भयभीत हो गया। विश्वनाथ चतुर्थी कह रहे, कोई अगर सोचे प्रसिद्ध जगन्नाथ तुम हैं प्रसन्न हो जाओ, और ये रूप दिखाना ही आता है मेरे को, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण, ये चतुर्भुज रूप दिखाओ विश्वनाथ चतुर्थी। कोई अगर सोचे कि अर्जुन भयभीत हो गया है, नहीं, लेकिन अर्जुन का नाम विस्मय रस पैदा हुआ, विस्मय रस, अर्जुन भयभीत हो गया ये नहीं, अर्जुन का आत्मा विस्मय रस पैदा हुआ, देखा नहीं जाता इतना विस्मय, ये विचार बताया विश्वनाथ चतुर्थी का। और यहाँ जो जसोदा मैया का कंपित कलेवर, कांपती हुई आंखें निमिलित में आंखें बंद कर ली, अतिशय विस्मयास लिखा है, अतिशय बहुत विस्मयपन्न हो गई। शिला सनातन गोसाई बाद दसम अध्याय का टिप्पणी किए हैं, उसमें लिखा माता जसोदा ये जो भगवान का जो विश्वरूप दर्शन किए, क्या माँ जसोदा को भी भगवान अलग से एक दिव्य चक्षु दिया क्या? विश्वनाथ हमारा सनातन को सही बात कह रहे हैं कि कोई अगर समझे कि जसोदा मैया को ये विश्वरूप देखने के लिए नया एक दूसरा एक नया दिव्य दर्शन दिया गया, ऐसा नहीं। सनातन गोसाई बात कह रहे हैं, टिप्पणी लिखा है इसमें, माता जसोदा ये जो विश्वरूप दर्शन किए इसके लिए कोई दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ नहीं, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ नहीं। तो फिर भले भगवान श्री कृष्णों से जो प्यार करती है जसोदा माँ, से भगवान श्री कृष्ण प्रेमानंद लक्ष्मी भगवान का एक कोई शक्ति, दासी स्वरूपा कोई एक शक्ति या झट से भगवान का इच्छा का अनुसार उपस्थित होके अद्भुत तत्व दर्शन कराया और लीला का एक्सेलेंसी बढ़ाने के लिए, लीला का साथ इसका तालुकात है, ये लीला का मिठास को बढ़ाने के लिए
समय समय ये दिव्य दर्शन का जो ये जो व्यवस्था है, ये जो दर्शन देते हैं, इसके लिए जसोदा माँ दिव्य दर्शन प्राप्त की है, ऐसा नहीं। ये कभी कभी ऐसा होता है, भगवान का कृष्ण लीला जो है, बाल लीला आदि माधुर्य लीला है, माधुर्य लीला होने से भी भगवान श्री कृष्ण तमाम ऐश्वर्य और माधुर्य का खजाना है। भगवान श्री कृष्ण तमाम ऐश्वर्य और माधुर्य का खजाना है, तमाम सोर्स है, तमाम सोर्स है, खजाना है ऐश्वर्य माधुर्य का। मान लो कि माधुर्य लीला चल रहा है, तो ठीक है, माधुर्य लीला चल रहा है, तो माधुर्य लीला का अंदर में कभी कभी ऐश्वर्य ऐसे प्रकट हो जाता है, ये बिना मांगे कि जसोदा माइया कोई अर्जुन का मामी माँ की, अर्जुन ने मांगा था कि हमको दर्शन करा दो, अगर आप सोचते हो कि मेरा इसमें अगर दर्शन करेगा करने का हक है, हमारा योग्यता है, तो थोड़ा दर्शन करा दो, ऐसा जो विनती है। लेकिन जसोदा मैया ने कभी विनती नहीं की, दर्शन करने की इच्छा नहीं, क्योंकि अगर ऐश्वर्य का दर्शन भी हो जाए, फिर भी ब्रजवासी लोग, नंद जसोदा और सारे ब्रजवासी लोग इसको ऐश्वर्य को अपनाते नहीं है, ग्रहण करते नहीं। जैसे कि उदाहरण दे, ये ब्रजगोपिका है, बाहरी दृष्टि में इन लोगों का कोई एडुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बाहरी दृष्टि में लगता है कौन सी एडुकेशन किया है, कौन सी कॉलेज में किया है, दिया तो नहीं। लेकिन कोई अगर सोचे कि इनका कोई एडुकेशन नहीं, तो गलत ही बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा एडुकेशन है लोग का, भगवान श्री कृष्ण का अंतरंगा शक्ति राधा रानी, लादिनी शक्ति, संबित स्वार सबसे बड़ा। अगर विद्वा किसी का सबसे बड़ा है तो राधा रानी जी का विद्वा, राधा रानी से आई हुई सारे ये गोपियों का विद्वा नहीं है, है। ऐश्वर्य के द्वारा माधुर्य को दबाया जाए, ये हो ही नहीं सकता। ऐश्वर्य भाव के द्वारा माधुर्य को दबाया जाए, हो ही नहीं सकता। गोपियों का सारे ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, सारे एडुकेशन है, सारे एकदम अनंत ज्ञान राशि। जिन लोगों ने कृष्ण को अपना प्यारा मन के रखी और सेवा करते रहती है, इले को अंदर में विद्या नहीं है, हूँ कैसे हो सकता। लेकिन ऐश्वर्य के साथ माधुर्य के साथ अगर ऐश्वर्य आए भी जाए, फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये उन लोगों का जो माइंड मन चेतना को कवर अप करने के लिए समर्थ नहीं। जैसे एक गोपी गीता में, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक। अरे देखो, तो ऐश्वर्य ज्ञान है, लेकिन चैतन्य चैतन्य में बताया गया ऐश्वर्य शिथिल प्रमे नहीं मोर प्रीति। ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा अगर प्रीति प्रेम शिथिल हो जाए, हल्का पर जाए, तो ये मेरा मंजूर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ऐश्वर्य शिथिल प्रमे नहीं मोर प्रीति, प्रीति माने हमको अच्छा नहीं लगता। तो ये गोपियों को ये याद नहीं है, ये जानते नहीं कि परमात्मा है भगवान तमाम जीवों का अंदर में। नखलु गोपिका नंदनो भवान, मैं आप लोगों को पता है कि आप गोपिका नंदन नहीं है, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मदी, परमात्मा रूप में सर की कायदा में बैठे हुए हो। लेकिन ये ऐश्वर्य ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के कारण
ये ज्ञान जो है ये ऐश्वर्य स्थिति ऐश्वर्य के द्वारा माधुर्य शिथिल नहीं हो पाए, संभव नहीं है। यही बात हुआ है मृगनयना यशोदा मैया अचानक ये बाल बच्चा का अंदर में मुख मुंह का अंदर में मुख विवर में विश्वरूप का दर्शन कर ली, अलौकिक कांपना शुरू कर दी, कह देख लिया न निमिलित तो होकर अतिशय विस्मयान्वित तो हो गया। तो यहां सनातन गोसाई कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, जब भी कृष्ण लीला में कृष्ण लीला मतलब विशेष करके वृंदावन लीला ब्रजधाम का जो लीला है ब्रजवासी को साथ, इसमें ऐश्वर्य का कोई कीमत नहीं है ज्यादा, फिर भी बीच बीच में जरूरत नहीं है, फिर भी कभी कभी ये प्रकटित हो जाती, ये स्वाभाविक है। तो ये कृष्ण प्रेमानंद लक्ष्मी का दासी स्वरूपा कोई शक्ति यहां उपस्थित हो गई और अत्यद्भुत तो हेतु तादृश ऐसा मापिक लीला का उदय करके भग गया। फिर लीला उदय अवसने स्वदास्य प्रकाश पूर्वक विस्मय द्वारा आत्मेश्वरी यशोदा के उल्लसित करके फिर गायब हो गया। चक्रवर्ती बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद बेटिका का मर्म टीका लिखा है, इसमें भी ये है यही ऐश्वरी शक्ति यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है इसको शिथिल करने में समर्थ नहीं हो गई। ये जो ऐश्वर्य शक्ति आके टच करके गई इसके द्वारा यशोदा का जो वात्सल्य ज्ञान जो शिथिल हो नहीं पाए, कर नहीं पाए। श्री हरि का ये शक्ति प्रेम देवी का परीक्षा का निमित्त तो कैसा प्रेम है, कहाँ तक है, वो कैसा उसमें रिजिडिटी है, प्रेम का गाढ़ता है, कितना गाढ़ा है, ये सब समझाने बुझाने के लिए कभी कभी आ जाते। और उस दिन बताया था जे जमुना का किनारे बाल गोपाल और सखाओं के साथ खेल रहे थे और उसमें बलदाव जी महाराज भी मौजूद थे और बलदाव जी महाराज और सारे बालकों ने मैया को शिकायत की, आपका बच्चा वो कृष्ण मिट्टी खा रहा है, ऐसा करके वो लीला भी बताया था हमने। इसमें भी अचानक भगवान का जो शक्ति है अचानक आई है और यशोदा मैया का विस्मयाभाव अपन्न हो गई थी और करके फिर भाग गई ऐसा करके। तो ये विचार आया अर्जुन का जो घबराहट है ये डर के मारे नहीं है विस्मय हो गया, चूड़ान्त विस्मय, इतना बड़ा विस्मय हुआ है जो देखा ही नहीं, आश्चर्य है। ये विस्मय भाव अपन हो गया थे, अर्जुन भयभीत हो गया ऐसा नहीं। तो प्रसिद्ध जोगन्नाथ जी सब बात बताए ये विस्मय भाव अपन होके प्रार्थना की है। अभी यहां प्रश्न आता है, चलो ठीक है भगवान अर्जुन को दर्शन दी, ये दिव्य चक्षु कैसा है, ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है, कुछ नहीं है। भक्तिमय ठाकुर का कहना बहुत सुंदर खुलासा किया, भक्तिमय ठाकुर ने कहा जो चक्षु सोपाधिक है हमारा चक्षु के द्वारा दर्शन करे, ऐसा ही तो इच्छा प्रकट किया, किंतु ये स्थूल नहीं है, ये दिव्य चक्षु दर्शन की और माधुर्य का दर्शन करने वाला भगवान का जो चक्षु है ये माधुर्य में ही व्यस्त रहे। जैसे उदाहरण दिया था ये माधुर्य जो दर्शन भगवान के ये सुंदर श्याम सुंदर ये जो कृष्ण रूप दर्शन करते रहते,
इसके द्वारा ये सब विभत्स जो रूप है विस्मय भावन पैदा करने वाला, ये तो दर्शन करने का लायक नहीं है। इसीलिए दूसरा एक आंखें दी भगवान, ये तात्कालिक है, ये अगर रह जाए तो ये भगवान के साथ जो दोस्ती है ये सब कुछ है ये तो मरमिट जाएगा ना। इसलिए तात्कालिक ये दर्शन आए दिव्य चक्षु जो चक्षु सोपाधि गए, किंतु स्थूल दर्शन नहीं है, बिल्कुल स्थूल दर्शन नहीं है, टट्टी पेशाब वाला दर्शन नहीं है, और लेकिन सोपाधि है। इसमें कोई विशेष एक्सीलेंट चीज सुपर नेचुरल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रकृति का बाहर प्राकृतिक चीज नहीं है। विश्वरूप जो दर्शन किया है भगवान का, विश्वरूप क्या भाई, विश्वरूप का सब कुछ दर्शन किया, प्राकृतिक जगत का सारे विश्व ब्रह्मांड है, कुरुक्षेत्र है, जितना सारे योद्धा है सारे है मर्मिन सब, ये क्या ये सब दर्शन कर। तो ये आंखों के द्वारा जो चक्षु अभी है इसके द्वारा दर्शन करना संभव नहीं है, इसलिए भगवान एक दिव्य चक्षु देने का वादा किया, दिव्य चक्षु दिया और दर्शन कराया। न तो मांग सकसे दृष्टुम अनन्नैव चक्षुः सचक्षुषा, न तो मांग सकसे दृष्टुम अनन्नैव सचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमेश्वरम्। ये हो गया इसका समाप्ति। इस बार आता है संजय का प्रसंग, क्योंकि संजय रिले कर रहा है। संजय व्यासदेव जी का, महर्षि व्यासदेव जी का कृपा के द्वारा संजय दिव्य चक्षु को प्राप्त किए हैं, हस्तिनापुर में बैठे हुए भी कुरुक्षेत्र में सामान्य चीज दिखाई पड़ता, और ये सब जो जो चीज जैसे जैसे दिखाई पड़ता है ये रिले करते रहे, अर्थात बताते गए धीरे धीरे बताते चले। इसे संजय उवाचो, संजय कह रहे हैं एवं उक्त्वा, ऐसा कह के ततो राजन महायोगेश्वरे जोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थायो परमम रूपमेश्वरम। संजय गबलग ऋषि का जो लड़का है, संजय अमात्तो है, ये अभी बोलना शुरू कर दी एवं उक्ता, ऐसा करके ततो राजन महाजोगेश्वरो महाजोगेश्वर हरि महाजोगेश्वर हरि जोगेश्वरों का जो जोगेश्वरों का जोगे जोगेश्वरों का ईश्वर है, जैसे शंकर भगवान जोगेश्वर इसका है ईश्वर। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामासो, अब दर्शन दे दिया पार्थायो पार्थो को दर्शन दिए हैं परमम रूपमेश्वर, परम रूप ऐश्वर्यो ये जो दर्शन ये दर्शन दे दिए, विश्वरूप दर्शन कराए। विश्वरूप के बारे में अभी पिछले दिन बताए थे, अद्वैत गोसाई जी भी भगवान से प्रार्थना की ये दर्शन करने के, उसका भी दर्शन हो गया। नित्यानंद भुवो अंतर्जामी बल्लभ जी महाराज प्रथम प्रकाश विग्रह कृष्ण का, वो भी अंतर्जामी है, जन गया कि अभी भगवान अद्वैत गोसाई को विश्वरूप दर्शन दे रहा है, तो खुद भी चले जाके अद्वैत गोसाई के साथ नित्यानंद प्रभु प्रथम प्रकाश विग्रह वो भी विश्वरूप का दर्शन किए हैं। अर्जुन भगवान का अत्यंत प्रिय पात्र है, दोस्त है, और इसको शिष्य मान लिया, स्वाधीनम त्वम प्रपन्नम ऐसा बताया था ना, पूछताछ है, जैसे गुरु का सामने शिष्य पूछते रहते हैं
ऐसा ये भी पूछताछ शुरू की। भगवान का अत्यंत कृपा भाजन कृपा पात्र और शिष्य तो यही है। तो ऐसा है सुतरंग अर्जुन जो भगवान का अत्यंत कृपा भाजन ये भी विज्ञापित हुआ अर्थात प्रकाशित हुआ। अर्जुन का लिए ये युद्ध जो है सामान्य कथा है क्योंकि भगवान का पार्षद है। भगवान का भक्त कभी पराजित नहीं होते। इस तरह ये बात पक्का है अर्जुन का लिए कुरुक्षेत्र युद्ध के जय प्राप्त होने की सामान्य बात ही तो है और क्या। भगवान का भक्त है कभी पराजित नहीं होते। जो भगवान का भक्त है उसका लिए तो वही पारत्विक इसी जन्म में अगले जन्म में तमाम मंगल घेर के रखता है। उसको मंगल का खजाना रहता है भक्तों का पास। वही पारत्विक जावतियों जितना सारे कल्याण मंगल का प्रसंग है तमाम आश्रय करके रहता है भक्तों को। सुतरां धृतराष्ट्र स्वपुत्र गणों का विजय आशा फ्रॉम रूट मूल से विनष्ट हो गया। इसका इंगित दे दिया किसने बोले संजय ने दे दिया। संजय जो रिले कर रहा है और धृतराष्ट्र को भी पहले से पता था। जब भी जय करने का ख्वाहिश है ही है विजयलक्ष्मी मेरा गले में माला दे दे ये तो इच्छा है ही है लेकिन फिर भी अंदर से एक वीकनेस है कि है तो परम पार्थ अखिलेश्वर भगवान जिसका पक्ष में है इसका ही तो जो होगा। एवं उक्ता ततो राजन महायोगेश्वर हरि महायोगेश्वर हरि दर्शयामासो पार्थायो परमं रूपमैश्वरम ऐसा करके महायोगेश्वर भगवान इसके द्वारा थोड़ा इंगित दे दिया कि आपका लड़का लोगों का जय का जो इच्छा आशा है ये कहाँ तक सच्चा है ये हो ही नहीं सकता। इसका जो इंडिकेशन है पूरा मिल गया कि जो स्वयं योगेश्वरेश्वर भगवान साक्षात योगेश्वर महायोगेश्वर योगेश्वरेश्वर और महायोगेश्वर एक ही बात है। महायोगेश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण दर्शयाम से दर्शन दे दी। अब दर्शन का जो विषय चल रहा है उसका थोड़ा व्याख्या होना जरूरी है। कैसा दर्शन कर रहा है दिव्य चक्षु के द्वारा या संजय भी दर्शन करते संजय का दर्शन नहीं हो रहा है तो संजय कैसे बताएगा। अनेक भक्तम नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक भक्तो नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक उद्धता युधम अनेक भक्त बहुबंध अनगिनत बहुरूप बहुबदन बहुत सारे मुख बहुनेत्र बहुविध आश्चर्य दर्शनीय अनेक भक्त नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको उद्धतायुधम अस्त्र शस्त्र लेके जो कुरुक्षेत्र युद्ध में है सब है ना ये जो भगवान का अंदर में सारे दर्शन हो रहा है। अनेक दिव्याभरणन बहुविध दिव्य आवरण संपन्नो दिव्य है और दिव्यानेकादि दिव्य
दिव्य अनेको उद्दतायुधम अनेको दिव्य अस्त्रधारी भगवान का रूप। ऐसे तो ये विश्व रूप में कुरुक्षेत्र युद्ध का अंदर में जो शस्त्रधारी सारे योद्धा है इसका भी दर्शन हो रहा है, सब दर्शन हो रहा है। अब भगवान का भी दिव्यानेको उद्दतायुधम उद्दतायुधम अस्त्र शस्त्रधारी बहुत सारे रूप दर्शन गोचर हो रहा है। अनेक भक्त नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्दुतायुधम दिव्य माल्यांबरधरम दिव्यो गंध्यानुलेपणम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। क्या बताया? बहुरु बहुवदन अनगिनत बदन है, अनेक नेत्र अनगिनत आंखें हैं और बहुविध आश्चर्य दर्शनीय बहुविध दिव्य अलंकार युक्त अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र समन्वित वस्त्र नया नया वस्त्र नया नया तरह तरह का वस्त्र आवरण समन्वित दिव्य गंधों के द्वारा वासित है अनुलिप्त भगवान और सर्व प्रकार आश्चर्यमय जतिनमय और अनंत और सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मैंने एक जगह में नहीं, भगवान जब भी बताए कि मेरा एक अंश में देख लो अनंत ये ब्रह्मांड, फिर भी ये दिख रहा है कि सर्वप्रकार आश्चर्यमय ज्योतिर्मय अनंत सर्वव्यापी रूप दर्शन हो रहा है। अनेक भक्त नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्दुतायुधम दिव्य माल्यांबर वरध्वरम दिव्य गंधानुलेपणम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनंतम बताए ऐसा करके भक्ति विनोद ठाकुर भी एक ही बात कह रहे हैं, ये सही मूर्ति मतलब ये भगवान सामने खड़ा हुआ है। सब भगवान का आज बाहरी दृष्टि में है, एक सोचने वाला बात ये है भगवान का जो बाहरी दृष्टि में जो भगवान का शरीर है ये तो सामने ये तो छोटा मोटा मूर्ति है, सही मूर्ति इसी मूर्ति का अंदर में अनंत रूप दिश ये बोले सीमा जैसे सीमार माजे असीम तुमी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने बताए सीमा का अंदर में असीम सीमार माजे असीम तुमी सीमा का अंदर में जैसे लगता है कि सीमित भगवान का रूप तो सीमित है। हाँ सीमित तो है दिखता है बाहर से लेकिन इस सीमित रूप का अंदर में भगवान दिव्य दर्शन दिखा रहा है। आई बात समझ में? भक्तों कह रहे वही मूर्ति भगवान श्री कृष्ण खड़ा हुआ है सही मूर्ति से अनेक भक्तों अनेक मुख नयन बहु दर्शन अनेक दिव्याभरण अनेक दिव्य अस्त्र दिखाई पड़ा भगवान का वो इसी स्वरूप में ही दिखाई पड़ता है। अंदर में दिव्य माला वो वस्तु शोभितो दिव्यो गंधानुलिप्तो सर्वाश्चर्यमय सर्वत्र अवस्थितो सर्वत्र अवस्थितो एक जगह नहीं है सर्वत्र अवस्थितो अनंत मूर्ति परिदृष्ट है। देखो भगवान सामने खड़ा हुआ है, भगवान अर्जुन के सामने खड़ा हुआ है कहीं गया नहीं और ये भगवान सामने खड़ा हुआ है ऐसी इसी स्वरूप के अंदर में सारे दर्शन करा दिया।
आश्चर्य की बात है। दिव्य बलचन दिव्यो माल्यांबरधरम दिव्य गंध्यानुलेपनम आ सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम स्तुति किया सब। इसके बाद 12 नंबर श्लोक में ये तो 11 नंबर श्लोक किया 11 अध्याय का दिवि सूर्यो सहस्रश्यो भवेद जुगपद उत्थिता। दिवि आसमान में सूर्यो सहस्रश्यो आसमान में अगर हजार हजार सूर्य प्रकटित हो जाए दिवि सूर्यो सहस्रश्य भवेद जुगपद उत्थिता। यदि भास सदृशी सद भाष तस्य महात्मा। यहां कह रहे हैं इस आसमान में अगर यूं सोच लो कि आसमान में एक ही साथ हजारों सूर्यों का उदय हो गया, ये तो संभव नहीं है। फिर भी सोच लो आसमान में अगर एक ही साथ हजारों विवत्सन सूर्यों का उदय हो गया होले जैसा स्थिति पैदा हो जाएगा। कहा होइले उस समय अनेक परिमाणी से महात्मा विश्व रूपे प्रभाव तुल्य हो पारे। इसमें अभी जो ग्लैमर है अभी जो तेज है भगवान का ये रूप दर्शन का ये अगर तुलना दिया जाए तो अभी अगर 1000 चांद एक हजार सूरज उदित हो जाए दिवि मैंने आसमान में सूर्यो सहस्रश्य भवेद जुगपद उत्थिता। अगर एक साथ उदित हो जाए यदि भास सदृशी ऐसा अगर तेज फैल जाए अगर फैल जाए कि मानो कि 1000 सूर्य एक साथ जुगपद उदित हुआ। यदि भास सदृशी यदि ऐसा माविक तेज उत्पन्न हो जाए आसमान में भासदृशी साद असन स्वाद भाषहस्तस्य महात्मन। यदि अगर एक साथ 1000 सूर्य उदित हो जाए आसमान में तभी इस समय ये जो विश्वरूप के समय आए भगवान धीरे धीरे अपना स्वरूप खुल रहे हैं। अगर 1000 चंद सूर्य अगर आसमान में उदित हो तबे उस समय जो तुलना हो सकता है ऐसा में भी तुलना हो गया। दिवि सूर्यो सहस्रश्य जुगपद भवेद जुगपद उत्थिता। सॉरी दिवि सूर्यो सहस्रश्य भवेद जुगपद उत्थिता। यदि भा सदृशी ऐसा मापी अगर तेज अगर प्रकट हो गया सद भाषहस्तस्य महात्मन तब इसका सब तुलना की जा सकता है। इसके पहले संभव नहीं। ऐसा करके उदाहरण दिया गया ठीक से। इसका बाद बोला गया देखो तो तेरा नंबर श्लोक में बताया गया तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रभि भक्तम अनेक दुधा अपश्यद देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। तत्रैकस्थम
तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रोभि भक्तम अनेकधा अपश्यद देव देवस्य शरीरे पांडवस तदा। संजय कह रहे हैं उस समय अर्जुन परम देवेर से विराट शरीरे तरह तरह का विभक्ति विभाग देखा, विभक्ति निखिल जगत को एक दूसरे एक एक कोण एक कॉर्नर में एक देश स्थित दर्शन क्रिया छिले। कैसा जिस समय अर्जुन परम देवेर वही विराट शरीर का अंदर अलग अलग सा ये सब दर्शन देखा देख लिया भगवान का, ये उसी शरीर का अंदर नाना भावी विभक्तो निखिल जगत ये भी दे एक 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 अंश में एक देश स्थित हो दर्शन क्रिया छिले। ये नहीं कि भगवान का तमाम शरीर जोड़ के विसरद ना, एक अंश में ये पूरा दर्शन करा दिया अर्जुन को। बलदेव विद्यावसन कह रहे हैं कि उसका बाद क्या हुआ ये जानने का जो आकांक्षा है, ये आकांक्षा इसको मिटाने के बोला गया तत्रेति तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रभि भक्तम अनेकोधा अपश्यद देव देवस्य शरीरे पांडवस् तदा। भगवान का एक अंश शरीर में तमाम दर्शन कर दिया, विभक्तो शरीर का दर्शन करा दिया। भगवान का लिए असंभव कुछ नहीं है। सज्जन संजय कह रहे हैं और संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को ये समझाने के लिए प्रयोजन कह रहे हैं कि संजय पुनरा कह रहे हैं ये युद्ध भूमि में देव देव श्री कृष्णो सहस्र शीर्ष मूर्ति प्रकाश किया है। सही उस विराट शरीर, इस विराट शरीर में अर्जुन निखिल ब्रह्मांड को दर्शन, अर्जुन को दर्शन करा दिया। तो हाँ ये जो विश्वरूप दर्शन है, तरह तरह का विचार है इसमें, कितना सुंदर दिव्य अलंकार भूषण अस्त्र शस्त्र विभूषिता नाना जख रख उरोग तमाम अनंत ये जो विश्वरूप भवन दर्शन कर दिया एक देशस्थ देखिले। ये तमाम भगवान का श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का तमाम शरीर जोड़ के नहीं, भगवान श्री कृष्ण का तमाम शरीर जोड़ के दर्शन कराया नहीं, एको देशस्थ एक शरीर एक अंश में दर्शन किया अनेक प्रकार अर्थ। मृणमय स्वर्णमय अथवा रत्नमय आवार क्षुद्रेर मुद्र क्षुद्र भाव्यो तमाम तमाम दर्शन दर्शन करा दिया अर्जुन को। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है ये पंचाशत कटि योजन प्रमा, हमारा ब्रह्मांडो कितना बड़ा है मालूम है, पता है हमारा ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि पंचाशत कोटि योजन, ये सोचने का बाहर, हमारे ये जो एक ब्रह्मांड है ये नापने जाए तो बिल्कुल असंभव। पंचाशत कोटि योजन प्रमाण भगवान का जो ये जो रूप है, ये जो दिखाया पंचाशत योजन कैसे संभव है।
ऐसा बड़ा आनंद, ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांडों का एक शरीर का अंदर दिखा दिया। पंचाशत कोटि योजन प्रमाण, आ शत कोटि योजन प्रमाण अथवा लक्ष कोट्यादि योजन प्रमाण, ये तो पंचाशत कोटि योजन हमारा शास्त्र विश्व ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड का विस्तार है, और शतकोटि योजन प्रमाण अथवा लक्ष कोटि योजन प्रमाण दिखाया। विश्वनाथ चतुर्वेदी बताया हमारा ब्रह्मांड का विस्तार है पंचाशत कोटि योजन, कि भगवान ने जो दिखाया ये तो सोचने का बाहर, पूरा दर्शन कराया। इहैकस्थो जगत कृष्णम पश्चादो सचराचरम, 11 नंबर का 7 नंबर श्लोक में ये बताया था। यही कस्तम 7 नंबर, यही अध्याय का 7 नंबर श्लोक में ये भगवान बताया था। यही कस्तम, ध्यान देना, यही कस्तम जगत कृष्णम पश्चादो सचराचरम, मम देहे गुरा केशो मम देहे गुरा केशो जच्चान्य दृष्टु इच्छामि। इहैकस्तम जगत कृष्णम पश्चादो सचराचरम मम देहे गुरा केशो जच्चान्य दृष्टु इच्छामि। हमारा ये शरीर का अंदर ही दर्शन कर लो, जो दर्शन का इच्छा भाई इच्छा हुआ वो भी देखो, जो तुम्हारा दर्शन का क्षमता का अंदर नहीं वो भी देखो। मम देह गुरा के सो जच्चान्यद द्रष्टुम इच्छा इच्छसि, ये सारे दर्शन कर लो। एक अंश जो भी है भगवान के लिए सारे संभव है, जैसे मुख गह्वर में, मुख का अंदर में जसोदा मैया को विश्व ब्रह्मांड दर्शन करा दिया, ये कौन सी असंभव है, असंभव कुछ नहीं। तो 8 नंबर जो श्लोक ये जो है, तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्चाद देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। 13 नंबर श्लोक 12 नंबर श्लोक में बचा था ना, दिवि सूर्यो सहस्रशो भवेद जुगपद उत्थित्वा यदि भा सदृशी सा सत भाषस्तस्य महात्मा, इसका व्याख्या हो गया। 13 नंबर में अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तत्रैकस्थम जगत कृष्णम, उस स्थान में रहते हुए तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडव भगवान का शरीर में उस समय तखन अर्जुन परम देवेश्वरेश्वर भगवान का ये विराट शरीर का अंदर में तरह तरह का नाना भावी विभक्त डिवीजन सेग्रीगेटेड निखिल जगत को एक स्थित दर्शन कराया था। क्या पहले क्या दर्शन कराया, उस समय अर्जुन को, इस समय अर्जुन परम देव 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 भगवान देव का ये विराट शरीर का अंदर में तरह तरह का विभक्त पार्टीशन विभाग विभक्त निखिल जगत को एक देश का अंदर में अवस्थित है, सिचुएटेड इन ए सर्टेन लोकैलिटी ऑफ हिज बॉडी, एक देश स्थित दर्शन कर लिया अर्जुन। तत्रैकस्थम
जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकोधा अपश्चाद देव देवेश शरीरे पांडवस्तद। ऐसा करके दर्शन दिए। आगे 14 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि ततः स विस्मयाविष्टो, भयभीत हो गया ऐसा लिखा नहीं, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनंजय, सारे व्याख्या है इस संदर्भ में। ततः उसको दर्शन करने के बाद ततः स विस्मयाविष्टो, विस्मयाविष्टो होकर अविष्ट होके शुद्धबुद्ध खो गया, इतना विस्मय के द्वारा अविष्ट हो गया कि शुद्धबुद्ध खो गया। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनंजय, ये धनंजय सारे लोंकू लोम खड़ा हो गया पूरा विवत्स, ये जब विस्मयाविष्ट हो गया। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनंजयो, हे धनंजय स्वयं विस्मयाविष्ट होके क्या किया, हृष्ट रोमा धनंजयो फारा लोमकूप खारा हो गया शरीर में, और प्रणम शिरसा देवम कृतांजलि रभासत, इतना विस्मयाविष्ट हो गया कि बाहरी दृष्टि में भयभीत लगता है लेकिन भयभीत नहीं, विस्मय रस ये लिखा गया। ततः स विस्मयात्, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनंजयो, धनंजय लोमकु खड़ा हो गया और विस्मयाविष्ट हो गया। प्रणम शिरोसा आंखों, ये जो अपना आंखों के द्वारा प्रणम शिरोसा देव, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनंजयो प्रणम शिरसा देवम कृतांजलि रभासत, कृतांजलि मैंने करजोर करजोग संपूर्ण जोड़कर कृतांजलि रभासत, कृतांजलि कृतांजलि जोड़ हाथ करके बोलना शुरू कर दिया, विश्वरूपधारी भगवान श्री कृष्ण के अभासत, अभासत मैंने बोल दिया था। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनंजयो प्रणम शिरसा देवम कृतांजलि अवासत, हाथ जोड़ करके ये बोलना शुरू कर दिया। और जो दर्शन हो रहा है उसी दर्शन को दोहरा रहा है, बोल रहे है, जो दर्शन हो रहा है उसी दर्शन को बोल रहे है। अर्षि अर्जुन वाचो, अब अर्जुन वाचो, अर्जुन वाचो, अर्जुन कह रहे हैं कि पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संज्ञा ब्रह्मानमीसम कमलासनस्तम मृसिंश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान् पश्यामि देवान् स्तव देव देह। आपने जो रूप प्रकटित किया ना, पश्यामि पश्यामि देवान् स्तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संज्ञान। अर्जुन कहना शुरू कर दिया, हे देव तुम्हारा ये शरीर में सब देवता विविध प्रकार का तरह तरह का जीव समूह, और कमलासनस्तम ब्रह्मा पद्म फूल में बैठा हुआ है सदोनी, वो इसका धाम है पद्म फूल, कमलासनस्तम कमलासनस्थ ब्रह्मा आ समस्त दिव्य ऋषिगण एवं सर्पगण के दर्शन कर लिया।
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्म्यानमीशं कमलासनस्थं मृषिंश्च सर्वानुगांश्च दिव्यान। अर्जुन कहना शुरू कर दी, हे देव आपका शरीर में साक्षात सारे देवता विविध जीव समूह तरह तरह का जीव समूह कमलासन में बैठा हुआ ब्रह्मा समस्त दिव्य ऋषिगण सर्व सप्तगण गंधर्व किन्न सारे दर्शन हो गए, ऐसा दर्शन हो रहा है। और इसका बात कह रहे हैं कि अनेक बाहु उदरो भक्त नेत्र, क्या अनेक बाहु उदर भक्त नेत्र पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत मुखं नान्तं च मध्यं च पुनस्तवादिं पश्यामि विशेष सर्वीश देव। विश्वेश्वर अनेक बाहु उदरो भक्त नेत्रम, हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप तुम्हारा असंख्य बाहु उदर पेट, असंख्य बाहु असंख्य मतलब अनगिनत इन्फिनिटी विश्वरूप ना, तुम्हारा अंदर हे विश्वरूप तुम्हारा अंदर में असंख्य बाहु असंख्य उदर असंख्य चक्षु, ओ चक्षु विशिष्ट अनेक हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप तुम्हारा जो शरीर अंदर में असंख्य बाहु उदर बदन और चक्षु विशिष्ट सर्वत्र दिखाई पड़ता है, अनंत रूप सर्वत्र ही दर्शन हो रहा है। पुनराय पुनः तुम्हारा आदि मध्य अंत आदि मध्य अंत सब किच दर्शन है ना, ये जो बोल रहा है ये तुम्हारा अंदर में असंख्य हाव असंख्य बाहु उदर बदन चक्षु विशिष्ट अनंत स्वरूप सर्वत्र दिख, लेकिन इसमें छेद नहीं है, छेद मतलब ये आदि मध्य अंत ये दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि इन्फिनिटी है ना, ये सर्वव्यापी तो है, इसमें कोई अगर छेद है ये शुरू हुआ इधर इधर से हुआ तो अनंत रूप कैसे होगा, अनंत रूप तो हो नहीं पाएगा, अनंत रूप नहीं होगा ना, इसीलिए ये बात पक्का है। अनेक बाहु दुर्भक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम, ऐसा नहीं कि छेद है यहाँ शुरू यहाँ अंत है, ऐसा नहीं। अनेक बाहु दुर्भक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हो गया, ज्यादा व्याख्या नहीं है इसमें, कुछ विशेष टिप्पणी नहीं है, सिर्फ दर्शन हो रहा है और कह रहे हैं। और 17 नंबर में कह रहे हैं कि आगे आगे का श्लोक में किरीटीनं गदिनं चक्रिनं च तेजो रसिन सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्ता नलर्का द्वितीया प्रमेयम् पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं, बहुत कष्ट करके देखने का कोशिश कर रहा हूं दिखा, बहुत दूरदर्शनीय ये असंभव, किसी का हिम्मत नहीं है दर्शन करे और चुपचाप रहे, विस्मय तो होना ही है और भयभीत भी हो सक, अर्जुन का भयभीत नहीं हुआ या विस्मय रूप
विस्मय भाव का उत्पादन ऐसा ही बताया गया। और भयभीत होने से बाक भी ऐसे वर्णन कर रहे, देखो कैसे अर्जुन कह रहे हैं। और इसी को अर्जुन देख रहा है, विश्वरूप देख रहा है और दोहरा रहा है, क्या क्या देख रहा है बोल रहा है और उसी को दोहरा रहा है। हमारा इधर गबलग मुनि का जो पुत्र है संजय, किरीटिनम गदिनम चक्रिनं च तेजोरसिन सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्ता नलारका द्वितीय प्रमेयम्। हम किरीट सवित मुकुट है, हम किरीट सवित गदा चक्र धारी रूप सम्यक दीप्तिशाली तेज पुंज स्वरूप एवं दूरदर्शनीय देखने का लायक ने देखने दिखना असंभव है। यह प्रमेय प्रदीप्त अग्नि और सूर्य तुल्य प्रभाव विशिष्ट आपको मैं सर्वत्र चतुर्दिक में चारों ओर देख रहा हूं, चारों ओर दर्शन कर रहा हूं। भक्तिमठ कह रहे तुम्हारा मूर्ति दूर निरीक्षो, तुमने दिव्य चक्षु दिया तभी देख रहा हूं। खाली चौक, अरे महाराज खाली चौक सूर्य ग्रहण दर्शन नहीं हो पाता, बहुत कष्ट होता है। खाली चौक सूर्य ग्रहण ग्रहण का टाइम में दर्शन करना माने तो कैसा चीज अभी देख रहा है अर्जुन। भक्तों क्या कह रहे हैं, तुम्हारा जो मूर्ति दूर निरीक्षो दर्शन का बाहर है, दर्शन नहीं कर सकता, फिर भी आपका के पास दर्शन कर रहा हूं। सम्यक प्रदीप्त अनलार को, जैसे आग जल रहा है अनलार को, और को मैंने सूर्य एकदम आंख का माफिक सूरज दर्शन हो रहा है। द्वितीय स्वरूप वो अप्रमेय, अप्रमेय मेजरमेंट हमें एस्टिमेशन का बाहर अप्रमेय। और इसी के अंदर में नाना विध तरह तरह का किरीटी मुकुट, क्योंकि एक रूप नहीं है, तरह तरह का रूप है, ते नाना तरह तरह का किरीट, किरीट मने अच्छे मुकुट गदा चक्रो और तेज राशि सर्वधिक दीप्तमान दिखाई पड़ता है। किरीटिनम गदिनम चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्त्यानलर्काद्वितीया प्रमेयम्। वाह सुंदर। इसका बाद अर्जुन कह रहे हैं 18 नंबर श्लोक में आगे चलकर, यही तो आप ही तो है और कौन है, आप ही तो है। भगवान बोला ना, मैं एकाक्षर खर वस्तु हूं, अक्षर वस्तु मैं हूं, मैं अक्षर वस्तु अमर वस्तु हूं, अक्षर वस्तु है ये दुनियादारी का चीज। तमाक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परमम निदानम तमाव्ययः शश्वतो धर्मगुप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो मे। तम अक्षरम, भगवान ने बहुत बार कहा है ना, वेदेचो लोके कथित पुरुषोत्तम अक्षर वस्तु खराद उपयोत्तम तमाक्षरम परमं वेदितव्यम तमाश विश्वस्य परम निदानम तमाव्ययम् शाश्वतो धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतु मे। अर्जुन कह रहे तो यही तो तुम हो, यही तो आप हो ना, तुम मुक्त पुरुषों का ज्ञातव्य विषय हो, अक्षर तत्व, अक्षर तत्व आप ही हो, तुम मुक्त पुरुष गणों के ज्ञातव्य विषय। ओम इति एकाक्षरम, ये जो बताया था श्लोक में
ये अक्षर तत्व तुम हो, तुम मुक्त पुरुष गणों का जो ज्ञातव्य विषय ये परम अक्षर तत्व वस्तु आप हो, तुम हो, तुम इस ये विश्व का परम निदान हो, आश्रय हो, सोर्स हो, विश्व का मूल आप हो, हैं, और सोर्स भी आप हो, इसका रक्षा करता निदान रखा करता सब कुछ हो, और तुम अव्यय हो, तुमका व्यय नहीं होता, डिप्रिशिएशन, तुम्हारा कोई डिप्रिशिएशन क्षय नहीं हो पाता, तुम सनातन धर्म रक्षक हो, आप ही हो ना, कृष्ण को बोल रहा है अर्जुन, तुम सनातन धर्म रक्षक हो, तुम सनातन पुरुष बोल के मैं जानकारी कर ली, जानकारी प्राप्त किया, अभी ये समझ में आया कि आप ही सब हो, सनातन पुरुष हो, फॉलो, तमाक्षरम परम वेदितव्यम तमाशविशस्य परम निदानम तमाव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो मे। वाह, ऐसा करके भगवान दर्शन दे रहे हैं और बहुत सारे उपनिषद का बाद भी हैं। अर्जुन कैसे जान लिया, देखो भगवान का कृपा है, ऐसे तो हमारा जन्म संसार में दो किस्म का विद्या अविद्या, दो किस्म का है ना, विद्या और अविद्या, अविद्या कैसे हुआ, विद्या तो भगवान ने भेजा ठीक है, हमारा अविद्या भी जरूरी है, जो भगवान का सेवा से विमुख है वो लोगों के लिए अविद्या जरूरी है, वो अगर अविद्या में फंसे हुए धीरे धीरे चटनी चटनी चाकते चाकते अगर कभी उसका छुटकारा मिल गया तभी वो भगवान का सेवा में अपना इच्छा प्रकट करे प्रकाश करेगा। विद्या अविद्या दोनों जरूरी है, ऐसे बाहरी दृष्टि में लगे अविद्या के क्या जरूरी है हमारा, अविद्या जरूरी है, जो भगवान का विमुख है उसको अविद्या में डुबाने के लिए, उसके अविद्या में बांधने के लिए, उसको चटनी चखाने के लिए अविद्या जरूरी है, अविद्या अगर नहीं है तो कैसे माया का संसार में कैसे फंसेगा, ये जरूरी भी है। जैसे अंधेरा रहने से रोशनी का इज्जत जो है, इसका जो एक्सीलेंस है प्रकटित हो, महिमा, जब तक अंधेरा नहीं देखा रोशनी रोशनी, तो अंधेरा अंधेरा नहीं देखने से रोशनी का उजाला का जो जो ग्लोरी है उसका जो महिमा है कैसे प्रकट होगा, इसे जरूरी है। ऐसा हमारा नीति शास्त्र में है, वह कहावत है नीति शास्त्र में, ये जड़ जगत का जो आदमी जो है ये तो हर वक्त विद्या धन संपत्ति इसको इकट्ठा करने में लगे हुए है और अंतिम समय तक रावण को पता नहीं था कि मैं मरने वाला हूं, अंतिम समय तक रावण को पता नहीं था कि मैं मरने वाला हूं, इसीलिए वो व्यर्थ कार्यों में व्यस्त रहते थे, ये करो वो करो फलाना करो ये सब, लेकिन स्वर्ग का जो सीढ़ी है वो बनाने में लेट कर दी, वो बाद में बनाएंगे कोई बात नहीं। तो ऐसे तो जो श्लोक देके शुरू किया है बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, जब भी नीति शास्त्रों का श्लोक है, ये जौवन धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता चारों किस्म का, एक है जवानी में आदमी कुछ परवाह नहीं करते, जवानी में आदमी कोई परवाह नहीं करते क्योंकि वो बहुत पावर है, इसीलिए जौवनम धन संपत्ति, धन संपत्ति में रुपया पैसा ये सब जो है ये अगर रहे
जौवन रहे, जवानी रहे, धन संपत्ति अगर रहे और प्रभुत्व हैं, डोमिनेशन कर सकता है तमाम सबको हैं, प्रभुत्व और अविवेकिता, अज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर अविवेकिता, जैसे रावण का अंदर में था अविवेक, अविवेक था ना, जौवन था रावण के अंदर में, जौवन था, धन संपत्ति था, ये धन संपत्ति कहना ही क्या, ये स्वर्ग में मिलता नहीं ऐसा, जौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम, वो चाहता है कि डोमिनेट करे तमाम सृष्टि को, हमारा चरण का नीचे दबाए और इंद्र वरुण सबको अपना अपना नौकर नौकर बनाया था, और ये हो गया जौवन धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेक था, अविवेक ना अज्ञान, अज्ञान नहीं होने से कोई ऐसा रास्ता में दौड़ता है दो दिन की जिंदगी है, संत महात्मा लोग जो है हर वक्त चिंता करते रहते हैं से बढ़ा चढ़ा कि क्या करेंगे महाराज, कोई तो सुनने वाला है नहीं, एक भी आदमी के अंदर में पेशेंस ही नहीं है कि जो धर्म को पढ़े नहीं, सारे इंटरनेट लेके व्यस्त है, जमाना ऐसा खराब आ गया कि किताब पब्लिकेशन तो कर रहा हूं लेकिन सर्कुलेशन संभव नहीं, जो हो गया हो गया, अभी भी इच्छा है, चार किताब निकाला है नृसिंह चतुर्दशी में, लेकिन सर्कुलेशन कर लाम उसके कोई पढ़ना नहीं चाहता, किसी का इच्छा नहीं है। सो जौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, प्रभुत्व सिप है, मैं मालिक हूं, कर्ता अहम, सब कोई को डोमिनेट करने का इच्छा है, ये जो है अविवेकिता अज्ञान, अरे अज्ञान अगर नहीं हो तो रावण कैसे सीता देवी को हरण करने का प्रयास की, ये तो अज्ञानी है और क्या। तो ये चार वस्तु जो है, रावण सोचते थे कि मैं पंडित हूं, रावण सोचते थे हर वक्त कि मैं पंडित हूं, क्योंकि उसका बहुत नॉलेज था, ज्ञान विज्ञान का, व्याकरण का, विज्ञान का नहीं था ज्ञान था, विज्ञान होने से तो हो जाता समाधान, रोजाना रोजाना शंकर भगवान का आरती उतारते थे, रोजाना शंकर भगवान का आरती उतारते थे, नया 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 स्तुति, नया नया संस्कृत स्तुति, नया नया रोज नया नया स्तुति रावण बनाते थे, इतना बड़ा पंडित थे फिर भी अज्ञान, ये पंडित नहीं है, जो अपना बंधन को देख नहीं सकता वो पंडित कैसा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताया था ना पूरा, पंडितो पंडितो बंधमक्षबित, पंडितो बंधमक्षबित, जो बंधन और मुक्ति, बंधन किसमें होगा मुक्ति कैसे होगा उसका जानकारी वही पंडित है, बाकी रावण लिखने जानता है लेकिन पंडित नहीं है, विभीषण पंडित था। सो जौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेक था, इन चारों में एक अगर किसी का अंदर में है तो खटिया खड़ा कर देगा, इन चारों में एक अगर किसी का अंदर में है, एकोकन अपि अनर्थायो किमुतो यत चतुष्टयम्, ये चारों में एक अगर किसी का अंदर में है तो खटिया खड़ा कर देगा। तो कहना ही क्या है कि चारों, ये चारों का विषय में कहने, चार है जिसका अंदर में, रावण का अंदर में चार है। सो ऐसा करके विचार बताया, अर्जुन का अंदर में जो विनम्र भाव है पैदा हुआ, पहले बहुत तर्क दिया था, पहले शुरुआत में बहुत तर्क दिया था, कैसे समझ रहे सूरज बहुत दिन का, आप तो काल पैदा हुए हो, आप कैसे इसके जन ज्ञान का जानकारी है, बहुत तर्क उठाया, ये इच्छा करके योग माया ने व्यवस्था किया, ऐसा नहीं कि कोई अर्जुन को पता नहीं को कृष्ण कौन है, ये योग माया ने करवाया, जहां जहां दोस्ती है ध्यान तहां भगवत्ता का
प्रकाश होता नहीं, दोस्ती है ना। अगर भगवत्ता का बिल्कुल प्रकाश नहीं होता अर्जुन के अंदर में, तो भगवान जब ऐलान कर दिया जिसका जो मांगना है मांग लो, अगला दिन जाके मैं जब शयन रहूं उस समय में जो पार्टी अर्थात पांडव और कौरव ये दोनों में पहुंच जाओ, जिसका जो इच्छा है मेरे से मांग लो। मैं मेरा नींद खुलने से, मेरा नींद खुलने से जिसका दर्शन होगा, मेरा नींद खुलने से जिसका दर्शन होगा वो उसको पहला पहला मौका दिया जाएगा। वो पूछेगा क्या 18 अक्षहीनी सैन्य वाहिनी, हजारों हजारों सेनानी, बैटेलियन ऑफ ट्रूप्स, हजारों हजारों 18 अक्षहीनी सैन्य, और मैं एक तरफ हूं, दोनों में जिस किसका जो इच्छा है मांग लो। तो अर्जुन पहुंचा, अर्जुन जाके चरण के सामने, भक्तों का रूपी है विनम्र भाव, चरण के सामने खड़ा हो गया। और दुर्योधन पहले पहुंचा, दुर्योधन जाके माता का सामने खड़ा हुआ, और जो आंखें खुला तो देखा किसको, अर्जुन को देखा, ये अभिमान है, सो माता का सामने खड़ा हुआ। जब आंखें खुलने के साथ साथ अर्जुन को देखा, वो चिल्ला गया, चिल्लाना शुरू कर, मैंने पहले आया। ठीक है, पहले आया तो पहले मांग लो, क्या चाहिए बोलो। बोले हमको 18 अक्षोहीनी सेना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण बोला कृष्ण तुमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवत्ता का बिल्कुल कोई ऐसा एहसास नहीं है, भगवत्ता का एहसास नहीं है, ये नहीं है, ये है दोस्ती का ऐसा ही असर है। जहाँ दोस्ती है तब भगवत्ता का जो ये नो प्रकाशित नहीं होता पूरा, ये जोग माया का ही अरेंजमेंट है, जो भी है चलो कोई बात नहीं। मुंडक उपनिषद में एक आता है दे विद्ये वेदितव्ये इति हौस्म यत् ब्रह्मविद वदन्ति परा चैवा परा च। आई बात समझ में, दे विद्ये दो किस्म का विद्या है, वेदितव्ये वेदितव्ये तब्बो अन्यो, ये जो व्याकरण में आता है जानने के लिए, जानने वाला, जानने का लायक, ये आपका कर्तव्य, कर्तव्य मैंने करने का लायक है, करना उचित है, तव्य अन्य ये सब। तो दे विद्ये वेदितव्य, दो विद्या जानने वाला है, जानना चाहिए। इति हौस्म यत् ब्रह्मविद वदन्ति परा चैव अपरा च। मुंडक उपनिषद में बताया दो विद्या है जानने का, ये विद्या एक हौस्म यत् और ब्रह्मविद व्यक्तिगण, ब्रह्मविदों ने, जो ब्रह्मविद व्यक्ति है इन लोगों के लिए ये कैसा नाम पड़ गया इन लोगों के सामने, परा चैव अपरा च, एक परा विद्या एक अपरा विद्या है, सच्चा बात है, एक परा विद्या है एक अपरा विद्या है। ओ हमारा गार्गी मैत्री ये प्रश्न रख दिया ये ऋषि का सामने, वो ऋषि का क्या नाम है, ओ जागबल्क ऋषि का सामने, इसका चर्चा काल हो पाएगा, आज यहां तक विश्राम दे। सो देखा जाए तो यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम ओपि अनर्थायो किमुतो यत्व चतुष्टयो वांछा कल्प दुर्वश्य के बासिंद व्यवच पतितानं पावने भविष्यभ्यो नमः।